For example, first of all, define the problem using your analytical and briefing skills. Secondly, help people to understand the problem by highlighting the background information and history. The third aspect is clarify the aim in a second sentence. For example, in how many ways we can do something A, B, C, D.

फीजेबल आइडिया और जाहिर है कि हमारे लिए वही आइडिया करामद है विच इज फीजेबल विच इज सुबल एंड एक्सेप्टेबल बाई स्टेक होल्डर सो चूज द बेस्ट अब आप बेहतरीन को पिक करने की कोशिश करें और इसके साथ साथ वी कैन ऑल्सो कम अप विदर इंटरेस्टिंग फिनमिना विच इज रिवर्स प्रिंसटॉर्म और रिवर्स प्रिंसटॉर्म से मुराद ये होगा कि इन हाउ मेनी वेज कैन दिस आइडिया फेल हम हर आइडिया के एंड कॉन्स को उसके इफेक्ट्स को वो भी कैलकुलेट करके देखें कि कहीं हम ऐसा आइडिया पिक ना कर लें विच इज इन द लॉन्गर रन गोइंग टू हर्ट ओवरऑल सिचुएशन कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा फॉर एग्जाम्पल बींग क्रिएटिव इनवॉल्व द यूज ऑफ इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडियाज और जितना हम अपने इमेजिनेशन को ट्रिगर कर सकेंगे उतना ही हम अपने डेप्थ माइंड को एक्टिवेट कर रहे होंगे Likewise, brainstorming is a इज अ यूजफुल generating फॉर whether आइडियाज वेदर यू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन और इन अ टीम कॉन्टेक्स्ट अब हमें यह भी देखना है कि टीम के मेम्बरान कौन हैं उनकी प्रायोरिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उनके पास एक्सपर्टीज कौन कौन सी हैं कॉम्पिटेंसीज एंड प्रोफेशनसीज वो क्या क्या हैं ताकि हम अपने मकासद को अचीव वो कर सकें एट द सेम टाइम क्रिएटिविटी इज समथिंग विच वी वुड बी ऑलवेज रिक्वायरिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस से हम अपनी क्रिएटिविटी को फर्दर बूस्ट वो कर सकते हैं बिकॉज विल बी हैविंग सेल्फ सेल्फ कंट्रोल मोटिवेशन सोशल इंटेलिजेंस विद अस सो क्रिएटिविटी इज सो डेलीकेट अ फ्लार दैट प्रेस टेंड्स टू मेक इट ब्लूम वाइल डिस्करेजमेंट ऑफ निप्स इट इन द बड सो so, अब हमें मोटिवेशन की जैसा आपको मैंने बताया इमोशनल इंटेलिजेंस के केस में भी हमें मोटिवेशन की जरूरत होगी और जितने हमें मोटिवेट किया जाए हम उतना बेहतर नश्वरुमा अपनी कर सकते हैं इमोशनली उतनी बेहतर हम क्रिएटिविटी इनोवेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन अगर सिर्फ तनकीद बरए तनकीद मौजूद हो सिर्फ डिस्करेजमेंट हो तो ऑब्वियसली उससे नो बॉडी वुड बी विलिंग टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्रिएटिविटी सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड और उस इमोशनल इंटेलिजेंस से ही हम एक अच्छे लीडर के तौर पर अपने आपको डेमोन्स्ट्रेट वो कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग के दौरान दूसरों के मशवरों को सुनना बहुत जरूरी है नो no डाउट आप अपनी रैशनैलिटी और अपने इंट्यूशन को भी यूज करेंगे लेकिन आपके पास जितने ज्यादा अल्टरनेटिव्स होंगे जितना आप बेहतर एवेल्यूएशन पैरामीटर स्टैब्लिश करेंगे आपका डिसीजन क्राइटेरिया एलेबोरेटेड और डिस्कस्ड होगा उतना आपके लिए फैसला करना आसान होगा थैंक यू